Thank you.
के खालिक और मालिक या हम आप बताते हैं मेरे यूसुफ का शुक्र अदा करते हैं जो आज से 2000 साल पहले उसने हमें गुनाहों की गुलामी से अबलीस की गुलामी से आजाद किया और फिर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं 1947 में जो है खुदावंद तूने हमें तमाम उन परेशानियों से तमाम उन कौमों से आजाद किया जो हमें कभी की नींद समेटी थी और हमें एक आजाद मुल्क दिया जिसमें हम आजादाना तौर पर तेरी इबादत तेरी परस्तिश कर सकते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए जो तूने खूबसूरत मुल्क हमें दिया। आए खुदा तेरे के मेहनत करते हैं आला हुक्मरानों के लिए जो इस मुल्क के निज़ाम को चला रहे हैं उनको अक्ल और दानाई दे ताकि आए खुदा ये हमारा मुल्क ज्यादा से ज्यादा खुशहाल हो और तेरा चला आजाद हो। और जितने बच्चे बेटियां बेटे तेरी हुजूरी में छुपे हैं एक एक बच्चो और ग्रेस का जो भी कट नहीं है उनको आने का फजल अता फरमा। तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम से आमीन। आज हमारा दिल जो है वो खुशी से भरा हुआ है कि आज हम सब जो है वो 16 अगस्त मना रहे हैं और इसमें तमाम पाकिस्तान के और पाकिस्तान के जितने भी चर्चेज हैं वो सभी इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए उन्होंने वारदात का एहतमाम किया है और इसमें उनके पाकिस्तान के लिए सलामती के लिए दुआई की जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम उन चर्चिस के लिए तमाम खादमों के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। आज मैं चाहता हूँ कि आज हम खुदावंद के कलाम को चार लम्हों के लिए जरा देखें, एक हवाला देखेंगे पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 14वीं आयत को जब देखते हैं तो वहाँ लिखा गया है और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करे और निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो और वो फलक पर अनवार के लिए हो कि ज़मीन पर रोशनी डाले और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन को दिन पर हुकूमत करे और एक नैयर असकर के रात पर हुक्म करे और उसने सितारों की भी बनाया और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डाले। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत। हालेलुया। इनके बारे में आज हमने पढ़ा है खुदा ने क्या दो बनाए, नैयर बनाए, एक किस पर हुकूमत करे दिन पर और दूसरा रात पर। मेरे शिशु जो दिन को हुकूमत करता है वो क्या है, नैयर अकबर, और जो रात को हुकूमत करता है वो कौन है, नैयर असकर। ये हमारे सामने उसकी
जो तस्वीर बनी है, जिसको बच्चे बड़े प्यार से चांद मामूली कहते हैं। और आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इस मर्चों पर दोनों चीजें जो है वो हमें नजर आती है, जिसमें जो मेरे जिसो खुदा के उस कलाम की नुमाइंदगी करती है, और ये मैयर असफर जो इस मर्चों पर हमें नजर आ रहा है, और उसके साथ खुदा ने इनको बनाया कि इनके साथ मिलकर क्या करे, जमीन पर रोशनी डाले। और ये सबस रंग जो है आप देख रहे हैं इस बच्चों पर, ये किस की नुमाइंदगी करता है, किस बात की नुमाइंदगी करता है, किसकी नुमाइंदगी करता है सबस रंग? अमन की, सलामती की नुमाइंदगी करता है सबस रंग। किसकी? अमन और सलामती की। ये कलर जो है सबस रंग जो है वो नुमाइंदगी करता है। और दूसरा कलर हम देखते हैं व्हाइट कलर, दूसरा कौन सा है? व्हाइट कलर है। अगर मुकाशवा की किताब में हम देखते हैं तो ये रूह कुदस की नुमाइंदगी करता है, लेकिन यहाँ परचम पर जो है व्हाइट कलर जो है ये अकलियत की नुमाइंदगी करता है कि इस मुल्क के अंदर दो कौमें जो है दो बस रही है, और इन दोनों की नुमाइंदगी मेरे शीशो ये परचम जो है वो हमें करता हुआ नजर आता है। और ये अस्कर जिसको खुदा ने बनाया कि वो इस दुनिया पर क्या करे, रात को रोशनी डाले, और उसके साथ खुदा ने सितारों को बनाया। आज ये छोटे छोटे सितारे देखे कैसे जगमगा रहे, बड़े खूबसूरत इन्होंने आज ड्रेस पहने हुए हैं। और मेरे शीशो आज हमारी जो नुमाइंदगी कर रहा है और वो क्या है, खुदा का जिंदा कलाम। हालेलुया। और मेरे शीशो आज हम इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर आजादी के साथ रह रहे, आजादी के साथ, और उस आजादी को मेरे शीशो पूरी आज पूरे पाकिस्तान की कौम जो है वो इसको सेलिब्रेट कर रही है। और आज जिस तरह बच्चों ने बड़ी मेहनत की है कि आपको उस आजादी के बारे में बताएं, उस आजादी की नुमाइंदगी करें, और उन्होंने बड़े सब्ज रंग के कपड़े पहने हुए हैं, झड़ियां भी आज लेकर आए हैं, और इसके बाद वो आपके सामने जो मेरे शीशो उन्होंने मेहनत की है वो आपके सामने वो जो है वो बयान करेंगे, आपको दिखाएंगे कि आपने उन आपके बच्चों ने किस तरह से इस उनके पाकिस्तान की जश्न आजादी को सेलिब्रेट करना है। आमीन। और मेरे शीशो आज हमने कलाम को सुना है कि किसको खुदा ने बनाया, नहीं रे अस्कर को, ये हमारे सामने है, और उसके साथ सितारों को, ताकि उसके साथ मिलकर क्या करे, जमीन पर रोशनी डाले। और मेरे शीशो आसमान पर इन दोनों चीजों को जब खुदा ने रखा तो जमीन पर रोशनी आना शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे शीशो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा वक्त हम ना लें, ताकि हम बच्चों को ज्यादा वक्त दें कि आज जो स्पेशली प्रोग्राम बच्चों ने जो ऑर्गेनाइज किया है, हम बच्चों की हौसला अफजाई करें, तो आए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे वक्त के लिए खुदावंद, जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। आए जलाल के बरसिला खुदावंद, इस सारे प्रोग्राम में खुदावंद तू इन बच्चों की रहनुमाई कर, आए कदूस मेहरबान खुदावंद, ताकि ये आने वाले दिनों में खुदावंद ये बच्चे इस मुल्क के लिए खुदावंद एक अच्छे नुमाइंदे बने, और खुदावंद तेरा हाथ इन बच्चों पर हमेशा छाया रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।